हेलो दोस्तों, आज हम टेस्ट करने वाले हैं नथिंग ओएस के लॉन्चर का, जिसका भी बीटा वर्जन लॉन्च हो रखा है। हम एक एक्सपीरियंस लगेंगे कि जो नथिंग लॉन्चर होगा या जो नथिंग ओएस होगा वो किस तरह का होने वाला है। तो अभी मैं बता दूं कि मेरे पास अभी है रेडमी नोट 10 प्रो और इसका जो है ये 8 GB वर्जन वाला सेट है। तो सबसे पहले मैंने इसका जो एप्लीकेशन है डाउनलोड करनी होती है वो कर रखी है। आप खुद देख सकते हो कि किस नाम से ये एप्लीकेशन मिलने वाली है। ये जो लॉन्चर है ये अभी एंड्रॉयड मोबाइल के लिए लॉन्च हो रखा है। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद ये आपसे परमिशन मांगेगा सेट एज डिफ़ॉल्ट करने के लिए। तो आप इसे नथिंग लॉन्चर को सेट कर सकते हो। यहाँ से इसको परमिशन दे देनी है और किस तरह का वॉलपेपर आपको सेट करना है, जो पहले वाला वॉलपेपर चाहिए या फिर नया। तो मैं अभी इसके लिए नथिंग लॉन्चर वाला वॉलपेपर लगा देता हूँ। इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, अभी कुछ देर पहले मेरे पास MIUI वाली थीम थी और उसी का आइकन थे, अब सब कुछ चेंज हो गया है। यहाँ पर जो वॉलपेपर है वो भी नथिंग वाला आ गया है और ये जो इसमें कुछ थीम्स है या कुछ सेटिंग है वो भी नथिंग ओएस वाली आ रखी है। इसके मेन्यू में जाते हैं तो कुछ इस तरह से इसका मेन्यू ओपन होता है और इसके आइकन भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर क्या ऑप्शन आते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है ऑलवेज शो कीबोर्ड। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा कस्टमाइजेशन जैसा कुछ है नहीं। अब देखते हैं यहाँ पर कुछ सेटिंग ओपन होती है कि नहीं होती। जैसे इस तरह से करने पर या इस तरह से करने पर कुछ नहीं हुआ, डबल टैप करने पर भी कुछ नहीं हुआ। इसको लॉन्ग प्रेस करके देखते हैं तो ये यहाँ पर कुछ 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, होम सेटिंग, विजेट्स और वॉलपेपर एंड स्टाइल सेलेक्ट करने के लिए। सबसे पहले हम पहली सेटिंग पर चले जाते हैं। होम सेटिंग में आप देख सकते हैं कि कुछ गिनी चुनी सेटिंग ही आ रही है। सेट एज डिफ़ॉल्ट ये जो हमने पहले से कर रखा है। यहाँ नोटिफिकेशन डॉट के लिए आपको परमिशन देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपको नोटिफिकेशन के बारे में पता चल जाएगा। और ये तीसरा ऑप्शन आप देख सकते हैं। अब बैक चले जाते हैं। अब सेकंड ऑप्शन देखते हैं विजिट्स में। विजिट यहाँ पर इसको परमिशन दे देते हैं। अब देख सकते हैं कि इसके जो विजिट्स है वो किस तरह के आते हैं। यहाँ पर आप अलग अलग विजेट्स हैं जो लगा सकते हो। जैसे कि मैं अगर इसको सेट करना चाहूँ, यहाँ पर सेट कर देता हूँ, क्रिएट कर देते हैं, तो इस तरह का कुछ विजेट इसमें लग जाएगा। अब तीसरा ऑप्शन पर जाते हैं, वॉलपेपर में। वॉलपेपर में आप और भी सेटिंग देख सकते हैं। आइकन पैक अलग से डाउनलोड कर सकते हैं, ऐड करना चाहे तो यहाँ से, और इसमें जो ऐप ग्रिड है वो सेट कर सकते हैं, बोनस कंटेंट, वॉलपेपर स्क्रॉलिंग, इस तरह की कुछ नई चीज़ें इसमें कर सकते हैं। तो इसमें कुछ खास नया तो था नहीं, जैसा भी था जितना भी था मैंने आपको सब कुछ बता दिया इसके अंदर। और हो सकता है कि नए जो अपडेट आने वाले हो इस एप्लीकेशन के, उसमें कुछ नई चीज़ें ऐड कर दी जाएँ। और आपको सभी को पता ही होगा कि नथिंग का एक स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है, तो उसी की वजह से ये जो लॉन्चर है ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल कराया गया है इस कंपनी की तरफ से। तो इस वीडियो को आज यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको एक लाइक दे देना, एक शेयर कर देना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।